हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हीरोडोकेस नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर है 1.79, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ लें। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच बार ए शुड बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली टू कीप बॉडीज वन एंड टू स्टेशनरी रिलेटेड टू द बार। The masses of the bodies are equal and the coefficient of friction between the bar and the bodies is equal to k. The masses of the pulley and the threads are negligible, means these are ideal things. The friction in the pulleys are absent. तो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम एक्सिलेशन, व्हाट इज द मिनिमम एक्सिलेशन विद विच बार ए शुड बी शिफ्टेड, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, दे आर आस्किंग मिनिमम, ताकि स्लिप ना करे। दैट मींस इनकी टेंडेंसी कैसी रहनी चाहिए स्लिप करने की, बच्चों इस तरफ रहनी चाहिए, ऐसे ये वाली टेंडेंसी होनी चाहिए स्लिप करने की। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये पीछे जाएगा, मतलब वन वाला जो है वो पीछे की ओर जाएगा, इस साइड जाएगा। ये वो नहीं पूछ रहे हैं, मतलब जस्ट स्लिप होने से बच जाए, तो स्लिप होने की टेंडेंसी तो इसकी नीचे होगी ना, उसको बचाना है। तो फ्रिक्शन बचाना है तो किधर लगना चाहिए, फ्रिक्शन लगना चाहिए इस साइड और इस पर लगना चाहिए इस साइड। चूंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन मिनिमम एक्सिलरेशन, तो इन सब पर क्या लगेगा बच्चों, स्यूडो फोर्स। इसी के फ्रेम में आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वन पर इस साइड स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, और इस पर इस साइड लगेगा स्यूडो फोर्स एम ए, और ये स्यूडो फोर्स इतना होना चाहिए कि ये स्यूडो फोर्स और ये फ्रिक्शन पूरा मिल करके, भाई फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपको ए की वैल्यू उतनी ही कम रखनी पड़ेगी, तो यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो बस यही कहानी थी, इसी को समझना था। तो वन का एफबीडी बनाने जा रहा हूं, ये है टेंशन, ये है नॉर्मल, इस साइड है एम ए और इसी साइड है फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन, और नीचे की ओर है एम जी। सारा का सारा सिस्टम सेम एक्सिलरेशन ए से चल रहा होगा, क्योंकि या यूं कहें कि नहीं चल रहा होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ए ये एफबीटी ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, यहाँ इक्वेशन आएगी हमारी टी माइनस एम ए माइनस म्यू एन इक्वल्स टू जीरो, और वर्टिकल डायरेक्शन से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एन इक्वल्स टू एम जी। ये वैल्यू अगर पुट कर देता हूं तो टी माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू जीरो, ये है इक्वेशन नंबर वन। अब बच्चों इक्वेशन नंबर टू की तरफ जाते हैं, मतलब टू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है टू, टू पर टेंशन होगा ऊपर की ओर, ठीक है, टू पर एक नॉर्मल होगा आगे की ओर जिसके कारण से टू आगे जा रहा है, या यू कहें कि स्यूडो फोर्स की बात करें, अगर फ्रेम ऑफ ए की बात करें तो टू पर एक स्यूडो फोर्स पीछे की ओर एम ए लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए एन लग रहा होगा, और नीचे की ओर बच्चों एम जी रेस्ट पर है। तो टी माइनस एम जी, एक और चीज जो मैं मिस कर रहा था वो ये कि ये स्लिप करने वाला है, ये जस्ट स्लिप करने वाला है नीचे की ओर, और उससे रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर मैक्सिमम लग रहा होगा, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जस्ट स्लिपिंग का केस है। तो म्यू एन, तो टी प्लस म्यू एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, एंड ये एन इक्वल टू एम ए, तो यहां से हम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आती है बच्चों टी प्लस म्यू एम ए माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन नंबर टू है। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करना है बहुत आसान, कि कैसे, कि हम क्या नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर टी आए, ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे। तो इक्वेशन नंबर टू माइनस वन कर देते हैं, टू क्या है टी प्लस म्यू एम जी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, माइनस करने जा रहे हैं वन को, तो माइनस टी प्लस एम ए प्लस म्यू एम जी इक्वल टू जीरो, ये साहब अब ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। ये बचा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज इक्वेशन शायद मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी है, एन की जगह एम ए लिखना था, तो बच्चों ये ए आएगा, ये एम ए आएगा, ठीक है ना, एन की जगह एम ए लिखना था। ठीक है, तो अब वापस से इसको सही कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन को, ये है ए, हिसाब से अब सही लिखा है मैंने, तो यहां से आ गया ए एम ए वन प्लस म्यू माइनस एम जी वन माइनस म्यू इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए की वैल्यू आती है बच्चों
वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू इंटू जी, ये है मिनिमम। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन की एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सटेंशन जो आपको देता जा रहा हूं वो सारे एक्सटेंशन डिस्कस करूंगा, तो मजा बढ़ने वाला है। एक्सटेंशन है सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ए मैक्स, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ताकि पूरा सिस्टम साथ साथ चले। तो मेरे हिसाब से आप मेरे एक्सटेंशन को समझ गए होंगे। अगर ये इधर से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों। एक्सटेंशन ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड ए मैक्स इन सिमिलर सिचुएशन सो दैट बोथ ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द बिगर ब्लॉक। ठीक है जी, तो ये है एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।